हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की, देखेंगे कि कल के दिन आपको इंट्राडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल सकते हैं जिनमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में हमें एक नया ही एंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने एक नया रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और इसके साथ ही आप देखोगे अगर तो आप नीचे से इसने एक ट्रेंड लाइन लगाते हुए इसने एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है, तो एक बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न है। तो अगर स्टॉक अपने माफी चाहूंगा निफ्टी अगर अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है यहाँ से अपसाइड निकलता है, हालांकि इसके अपसाइड जाने के मूवमेंट काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो हमें एक बेहतरीन मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि तो अगर आप इस चीज को आप डेली की कैंडल पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसने अपने 15,200 के लेवल को ब्रेक किया, तब से ये 3 दिन से लगातार अप ही है। तो अगर यहाँ से जैसा कि आप देखोगे ये किसने ब्लिस कैंडल बनाई हुई है, अगर यहाँ से अपने इस ब्लिस कैंडल को ब्रेक करता है अपसाइड में निकलता है, तो हमें सेम डे में 15,400 से 15,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगर कल के दिन आपको निफ्टी में एंट्री करनी है तो मैं बाई साइड की सजेस्ट करूंगा। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो यहाँ से अगर निफ्टी 15,330 के ऊपर निकलता है तो आप 15,400 की इजी स्मॉल इजी टारगेट लिए जा सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 15,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5 से 10 मिनट तक, तो आपको से तो अगली थोड़ी देर में आपको 15,500 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप उसको माइंड में रखिए। और बात करें अगर नीचे की साइड की, तो नीचे की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नीचे की जाने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको सेल सेल साइड में आपको एंट्री करनी है, तो फिर हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, इस सपोर्ट के जब नीचे ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी, अगर इसके नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है यहाँ पर, तो आप इसको 15,270 के नीचे आप इसमें एंट्री कर सकते हो। 15,280 के नीचे आप अगर आप एंट्री करोगे तो आपको फिर 15,200 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और अगर 15,200 से 160 तक का आपको टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है, तो आप निफ्टी को कल के दिन आप इस लेवल को आप वेट कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक काफी बेहतरीन ट्रायंगल बनाया हुआ है 15 मिनट की कैंडल में। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो काफी अच्छा जहां हमें ट्रायंगल देखने को मिला है, अगर यहाँ से इतने ट्रायंगल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी किसी भी साइड में जाता है, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें इंट्राडे के लिए एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें, तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 14,900 के ऊपर निकलता है तो आपको इसमें बाई की साइड देखने को मिल सकती है। और टारगेट जो रहेगा आपका वो 35,000 से 35,200 तक रहेगा। देखिए इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखिए हमारा पहला टारगेट छोटा होगा क्योंकि ये इसका रेंज है, यहाँ से एक बार ये फिर से रेजिस्टेंस से अपने ये वापस लौट सकता है, क्योंकि हमें बाई साइड में, देखिए बाई साइड में बड़े मूवमेंट के लिए तलाश नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा टारगेट अभी सेल के लिए है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक रिवर्सल पैटर्न दिखा चुका है, तो हमारे नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो आप 14,900 के ऊपर अगर आप एंट्री करते हो तो आप 35,000 के लिए पहला टारगेट, इवन आप 34,980 या 90 रखोगे तो वो टारगेट काफी आपके लिए सेफ होगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 35,200 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सेल साइड की, तो सेल के लिए आपके पास काफी ओपन लेवल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। जैसे ही बैंक निफ्टी स्टैंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो हम इसमें एंट्री करेंगे 34,680 के नीचे। स्टॉप लॉस की अगर मैं आपको बात करूं, तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा इसमें आपको एक हमें कल के दिन बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी, कल एक्सपायरी का भी दिन है, तो आप स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा 14,800 के ऊपर का। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट आपको काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। हमारा पहला टारगेट होगा 14,510 का, और अगर ये 14,510 को ब्रेक करता है तो फिर आपको देखिए एक तो टारगेट हमारे पास यहीं पर है, ये लेवल 14,270 का भी हमें लेवल इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा आप देखोगे तो ये पहले एक रेजिस्टेंस था, लेकिन अब इस टाइम पर ये सपोर्ट का काम करेगा, तो हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।